नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया बेस्ट और आपके साथ मैं शिवानी। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। बुलंदशहर से बड़ी खबर, आलू व्यापारी फखरुद्दीन के हत्यारे से पुलिस की मुठभेड़, पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ हत्यारा सलमान, तमंचा बाइक बरामद। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद हत्याकांड का भी हुआ खुलासा। सलमान के चाचा सलीम के साथ मृतक ने भी पूर्व में किया था मिर्च का कारोबार में करोड़ों के घाटे के बाद हिसाब नहीं कर रहा था मृतक। योजना के तहत अलीम और सलमान ने साथियों के साथ मिलकर की थी हत्या। अलीम और अन्य हत्यारों की तलाश में मुसलसल दबिश दे रही है पुलिस। 25 जून को देहात क्षेत्र में हुई थी आलू व्यापारी की हत्या। स्वाटी व देहात पुलिस से हुई मुठभेड़, इकराम खान की देखिए खास रिपोर्ट। थाना कोतवाली देहात पर मुकदमा प्राप्त संख्या 359/24 धारा 302 IPC में आलू व्यापारी फखरुद्दीन की हत्या के मामले में एक अभियुक्त को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस टीम द्वारा रोके जाने पे रुका नहीं और अपनी बाइक सवार गाड़ी को अनुपसहर रोड की तरफ भगाने लगा, जिसको पुलिस टीम ने घेराबंदी कर रोकने का प्रयास किया। बाइक सवार ने जो है पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसके आत्मरक्षा पुलिस टीम ने फायरिंग की, जिससे अभियुक्त घायल हो गया और उसे तत्काल जिला हॉस्पिटल भर्ती कराया गया। पूछताछ के दौरान अभियुक्त ने उक्त हत्या की घटना को अंजाम देना अस्वीकार किया है, जिसमें उसके पास से एक तमंचा, 315 बोर में एक जिंदा और एक खोखा कारतूस और एक मोटरसाइकिल बिना नंबर प्लेट का बरामद हुआ है। इसने अपने पूछताछ में बताया कि सीमापुर दिल्ली निवासी व्यक्ति अलीम के साथ शिमला मिर्च के व्यापार में फखरुद्दीन को 1 करोड़ रुपये का घाटा हो गया था और अलीम द्वारा बार बार कहे जाने पे फखरुद्दीन द्वारा उन रुपयों का हिसाब नहीं किया गया। रुपए की लेन देन को लेकर अलीम ने अन्य साथियों के साथ मिलकर फखरुद्दीन की हत्या की योजना बनाई। योजना अनुसार गिरफ्तार बदमाश सलमान उपरोक्त ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर फखरुद्दीन की गोली मारकर हत्या कर दी। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल न्यूज़ इंडिया फर्स्ट को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।